हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कस्ट मम्स किचन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्या आई हूँ, फिर से एक नई रेसिपी जो कि हम लोग बहुत ही आसान तरीका से बनाएंगे और बहुत ही जल्द। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ आलू से बनाएंगे ये नाश्ता, जो कि बहुत ही टेस्टी होने वाली है आज की नाश्ता। तो इस तरह का नाश्ता ना आप कभी भी बना सकते हो और खा सकते हो। तो इसकी खास बात यह है कि ये बहुत ही जल्द बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चलिए रेसिपी देखना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मैंने ना यहाँ पर 3 आलू लिया है, जिसका मैंने छिलका उतार लिया है, और बस इसको हम लोग इस तरह से चाकू से कट कर लेंगे। तो बस छोटे छोटे पीसेस में हम लोग इसको कट कर लेंगे। तो आप लोग अपने हिसाब से आलू को कट कर सकते हो, छोटे छोटे या बड़े। तो बस मैंने इस तरह से सभी आलू को कट कर लिया था और इसको डाल दिया था पानी में। तो बस पानी में डालने के बाद ना इसको वापस से मैंने 3-4 पानी से और वॉश कर लिया था आलू को। तो बस पानी अच्छी तरह से मैंने वॉश करने के बाद इसमें मैंने पानी के साथ ही डाल दिया है एक बर्तन में ये कटा हुआ आलू। तो इसको हम लोग ना बॉयल करेंगे। तो बस थोड़ा सा नमक डाल दिया है और बस गैस को यहाँ पर ऑन कर देंगे। और तो नमक को ना हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आलू में। तो आलू ना इस तरह से हम लोग उबालते हैं ना, तो फटाफट से आलू पक जाती है। तो बस इसका हम लोग ढक्कन को बंद कर देंगे और इसको पकने देंगे। तो बस 10 मिनट तक मैंने इसको पकने दिया था। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुकी है। तो बस मैं फोर्क से देख रही हूँ कि आलू हमारी पकी है कि नहीं। तो बस आलू हमारी पक चुकी थी, तो हम लोग इसको रख लेंगे एक प्लेट में। तो बस आलू को मैंने प्लेट में डाल लिया था और बस इस तरह से फोर्क से इस तरह से हम लोग इसको आलू को मैश कर लेंगे। अगर आप लोग हाथ से मैश करना चाहते हो तो आलू को ठंडा करके हाथों से मैश कर सकते हैं। तो यहाँ पर गर्मा गर्म आलू थी, इसलिए मैंने फोर्क से इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया था। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें डालेंगे नमक। तो बस टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर डाल दिया था नमक और बस थोड़ा सा डाला था हल्दी का पाउडर। तो हल्दी पाउडर डालने के बाद हम लोग लाल मिर्च का भी पाउडर डाल देंगे। तो यहाँ पर नमक, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर और ये था जीरा का पाउडर, और उतना ही मैंने धनिया का पाउडर लिया था। तो बस छोटे चम्मच से आधे आधी चम्मच धनिया पाउडर, जीरा पाउडर लिया था, और ये है हींग। तो बस एक पिंच जितना डाला है हींग, और ये है कॉर्नफ्लोर फ्रेंड्स। तो एक चम्मच मैंने डाल दिया था कॉर्नफ्लोर, और इसको हम लोग अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो मेरे को ना यहाँ पर थोड़ा सा और लगा था ज़रूरत कॉर्नफ्लोर को, तो मैंने टोटल 2 चम्मच यहाँ पर डाला था कॉर्नफ्लोर। तो बस कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हम लोग वापस से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्स हो चुकी है, तो इसको मैंने रख दिया था साइड में। और ये एक बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पर रखा है मैदा, तो एक बाउल मैंने डाल दिया है मैदा 1 चम्मच, और ये थोड़ा सा जस्ट हल्दी डाला और एक पिंच जितना डाला है नमक। तो नमक डालने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे ना, डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो बस मैंने थोड़ा सा डाला है कसूरी मेथी। तो मेरे को ना यहाँ पर थोड़ा कम लगा था कसूरी मेथी, तो मैंने थोड़ा सा और डाला था। तो 1 चम्मच भर करके डाल दिया था कसूरी मेथी। और इसके बाद यहाँ पर डाल देंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। तो अगर आप लोग चिली फ्लेक्स नहीं डालना चाहते हो तो थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो। और तो बस थोड़ा पानी डाल करके हम लोग इसको एक घोल तैयार कर लेंगे। तो जिस तरह से हम लोग पकौड़ी के लिए करते हैं ना, उससे थोड़ा सा पतला रखेंगे, तो ये ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा इसका पैटर्न। तो बस हल्का सा पतला ही रहेगा। तो जिस तरह से ना पूरी पकौड़ी करते हैं ना, उससे थोड़ा सा पतला रखेंगे। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मैंने एक घोल तैयार कर लिया था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये घोल मैंने तैयार कर चुकी हूँ। तो रख देंगे इसको साइड में। और ना यहाँ पर मैंने 3 ब्रेड लिया था, जिसको मैंने पीस लिया था। तो एक यहाँ पर ये पाउडर का फॉर्म में ये हो चुकी थी। तो बस इसको हम लोग निकाल लेंगे एक प्लेट में पिसा हुआ ब्रेड को। तो इसको भी चलिए रखते हैं साइड में। साइड में क्या, अभी अब हम लोग बनाना शुरू भी करेंगे रेसिपी। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने 1 चम्मच लिया है ऑयल। तो बस हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे हाथों में अच्छी तरह से, और बस आलू को इस तरह से हम लोग 4 भागों में मैंने इसको डिवाइड कर लिया था। तो मैं 4 ही बनाई थी। अगर आप लोग ज़्यादा आलू लेते हो, ज़्यादा बनाना चाहते हो, तो ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस समान कर लेंगे आलू को।
तो बस आलू को समान करने के बाद ना मैंने यहाँ पर लिया था फोर्क, तो मैंने चार लिया था फोर्क क्योंकि आलू का मैंने चार भागों में किया था डिवाइड। तो इसमें लगा लेंगे तेल फोर्क में और बस इसको हम लोग इस तरह से गोल करेंगे, चपटा करेंगे। और तो इसके बीच में हम लोग डालेंगे ये ऑयल लगाया हुआ फोर्क को और इस तरह से इसको हम लोग बंद कर देंगे। तो वैसे इसका शेप देते हुए इसको हम लोग अच्छी तरह से बंद कर देंगे। तो ये देखिए मैंने शेप शेप इसका दे दिया था। अब हम लोग क्या करेंगे ना, जो हम लोग इस मैदा का जो पैटर्न बना करके रखे थे ना, उसको इस तरह से चम्मच से इसके ऊपर हम लोग डाल देंगे। तो डायरेक्ट नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें फोर्क में लगा हुआ आलू तो निकल भी सकती है। तो बस इसके ऊपर से हम लोग इस तरह से डालेंगे ताकि ये निकले ना। तो ये देखिए, तो इसको हम लोग निकाल लेंगे पैटर्न को, तो जितना निकल सकता है उतना हम लोग निकाल लेंगे। तो बस थोड़ा देर रखना है ताकि वो एक्स्ट्रा जो भी हो वो निकल जाए। तो बस इसमें हम लोग लगा लेंगे अपना ब्रेड, तो पिसा हुआ ब्रेड मैंने लगा लिया था। तो आप लोग देख सकते हो मेरे हमारी स्नैक्स चारों तैयार है फ्राई होने के लिए। तो चलिए हम लोग फ्राई कर लेते, तो हम लोग इसको डीप फ्राई करेंगे। तो बस डीप फ्राई करने के लिए मैंने गैस के ऊपर डाल दिया था कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल देंगे तेल। तो तेल डालने के बाद ना तेल को हम लोग पहले अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तो मैंने गर्म होने के लिए थोड़ा देर छोड़ दिया था, तो ऑयल हमारी गर्म हो चुकी है, तब तो देख सकते हो। तो बस ऑयल अच्छी तरह से गर्म करने के बाद मैंने गैस को एकदम लो कर दिया था, और इसके बाद डाल देंगे हमारी स्नैक्स को फ्राई होने के लिए। तो बस जगह बनाते हुए मैंने डाल दिया था एक बार में ही चारों को, अगर आप लोग ज़्यादा बनाते हो तो दो या तीन बार में फ्राई कर सकते हो। मेरा थोड़ा ही था स्नैक्स, तो इसलिए मैं एक बार में कर ली थी फ्राई। तो बस एक तरफ से ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी थी, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी। जब आपको लगे कि हो चुकी है, इसका कलर एकदम चेंज हो जाए गोल्डन ब्राउन, तब आप लोग इसको पलटा देना और इस तरह से दूसरी तरफ भी फ्राई कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, तो बस एक तरफ से भी यानी कि दोनों तरफ से फ्राई हो चुकी थी। तो अब हम लोग इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो ये बहुत ही इजीली पलट भी गई थी और बस निकल भी गई थी, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। आप लोगों को लगा हो कि इसे फोर्क में लगा हुआ है तो पलटाने में दिक्कत होगा, नहीं एकदम दिक्कत नहीं हुआ, बहुत ही आसान से निकल गया। तो आप लोग वीडियो में तो वैसे देख ही रहे हो कितना आसानी तरीका से ये निकल चुकी थी। तो चलिए दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हो चुकी है और ये ना बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी थी। तो वैसे तो आप लोग को आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा होगा क्योंकि मैं इसका साउंड कम कर दी थी, तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी थी ये। तो बस मैंने क्या किया था ना, ऊपर से ना थोड़ा सा मैंने केचप डाल करके खाया था। तो अगर आप लोग ग्रीन चटनी पसंद करते हो या किसी भी चटनी के साथ खा सकते हो, या वैसे आप स्नैक्स में खाते हो तो चाय के साथ भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप लोग इस तरह से सर्व कर सकते हो, और आप लोग ना इस तरह का पैटर्न बना करके रख सकते हो, तो जब आप लोग को फ्राई करने का मन हो तो उस समय फ्राई करके खा सकते हो। तो आपको ये रेसिपी कहीं से भी थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक करना, शेयर भी कर देना मेरी वीडियो को। अगर आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए आते हो ना तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर देना ताकि मेरी हर रेसिपी की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो क्या फ्रेंड्स, थैंक यू।